नमस्कार दोस्तों। तो चलिए आज की इस क्लास में बात करते हैं हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल के बारे में। ये आपका आर्टिकल लिखा गया है बायजू रविंदन के द्वारा। ये लर्निंग ऐप बायजू के संस्थापक हैं और सीईओ हैं। ठीक है, बिग डेटा बताएगा कि किस बच्चे को कैसे पढ़ाया जाए। कोरोना के बाद ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ टीचर्स से पेरेंट्स तक सभी ने ज़्यादा ध्यान देना शुरू किया है। यानी कि सीधा सा मतलब है इसका, आर्टिकल का इसलिए लिखा गया है क्योंकि आप अभी देख रहे होंगे किस तरह से बच्चों के पेपर्स रुक चुके हैं, पढ़ाई रुक चुकी है बुरी तरह से। तो ऑनलाइन पढ़ाई की बात की जा रही है। तो पहले हम लोग इनके आर्टिकल को देख लेते हैं, बाद में जो आपकी समस्याएं हैं और जो इसका निष्कर्ष है अपनी तरफ से जो पॉइंट है मेरे, मैं भी अपना रखूंगा। और आपके पास भी कोई पॉइंट है इसके बारे में तो आप भी कमेंट बॉक्स में अपने लिख सकते हैं क्या समस्याएं हैं, क्योंकि आप बेहतर, आपके परिवार में आप जानते हैं अपनी समस्या को, मेरे परिवार में क्या समस्या है आप जानते हैं। अगर आप किसी बाप के बाप हैं किसी बच्चे के तो समझ सकते हैं। तो उसकी प्रॉब्लम आप जानते हैं कि आपके पास फोन है या नहीं है, डेटा है या नहीं है, आप ऑनलाइन पढ़ाने में अपने बच्चों को क्या प्रॉब्लम आ सकती है, ये सभी आप जानते होंगे ना। आपसे बेहतर कोई और नहीं जान सकता है, आपकी समस्या को आप जान सकते हैं। तो आपकी समस्या की बात करेंगे हम, पहले इस आर्टिकल को देख लेते हैं। COVID-19 यानी कि कोरोना के संकट भरे दौर में शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव आया है। यूनेस्को के अनुसार लॉकडाउन में शैक्षणिक संस्थाएं बंद करने से देने से दुनिया भर के 90% छात्रों की शिक्षा प्रभावित हुई है। ऐसे में ऑनलाइन एजुकेशन की महत्ता सामने आई है। हालांकि स्टूडेंट हमेशा से ही ऑनलाइन लर्निंग यानी कि ऑनलाइन पढ़ने के तरीकों को अपनाने के लिए तैयार रहते थे, लेकिन अब पेरेंट्स की सोच में महत्वपूर्ण बदलाव हुआ है। बच्चों के डिजिटल स्क्रीन पर पढ़ाई को लेकर चिंतित अभिभावक अब इसके फायदे देख रहे हैं। सिर्फ पेरेंट्स ही नहीं, टीचर्स का भी ऑनलाइन लर्निंग के प्रति झुकाव बढ़ा है। स्मार्ट डिवाइस, इंटरनेट की आसान पहुंच के चलते ऑनलाइन लर्निंग पढ़ाई की मुख्य धारा में शामिल हो गई है। आप भी जान रहे हैं इस समय कि कई देशों ने तो ऐलान भी कर दिया है कि वो अपने देश के स्कूलों को 1 साल तक नहीं खोलेंगे, कोई कह रहा है 6 महीने तक नहीं खोलेगा। मैं अभी आर्टिकल पढ़ रहा था कल ही, एक माँ बोल रही है जिसका बच्चा कक्षा 4 में पढ़ता है यानी कि चौथी क्लास में पढ़ता है, तो उसने साफ मना कर दिया कि मैं अपने बच्चे को स्कूल नहीं भेजूंगी जब तक कि इसकी कोरोना की वैक्सीन नहीं आ जाती, क्योंकि मैं अपने बच्चे को तो सेफ्टी से भेज रही हूँ स्कूल, लेकिन बाकी लोग अपने बच्चों को सेफ्टी से स्कूल भेज रहे हैं या नहीं इसका कोई मुझे भरोसा नहीं। यानी कि आप तो अपने बच्चे को मास्क लगाकर, सैनिटाइजर, सब कुछ व्यवस्था करके बराबर भेज रहे हैं, अपने बच्चे का 100% ख्याल रखने हैं, उसमें कोई कमी नहीं है, लेकिन सामने वाला अपने बच्चे का ख्याल रख रहा है या नहीं ये भी तो कोई भरोसा नहीं कर सकता है, कोई गारंटी ले सकता है क्या कि बच्चों को नहीं होगा। तो इसलिए हर माँ बाप पढ़ाई से ज्यादा अपने बच्चों को महत्व ज्यादा देते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, और हमारा भारत है इसमें और सबसे आगे है। भारत में दुनिया का सबसे बड़ा K-12 एजुकेशन सिस्टम यानी कि किंडरगार्टन और 10-12 साल बेसिक एजुकेशन है, लेकिन यह स्टूडेंट्स में परीक्षाओं का डर भरता है और सभी को एक ही तराजू में तौलता है। मौजूदा परिस्थितियों में यह सुखद बात है कि पूरा एजुकेशन सेक्टर ही ऑनलाइन की तरफ देख रहा है। कई शैक्षण संस्थाएं ऑफलाइन से ऑनलाइन टीचिंग को तवज्जो दे रही हैं और कई जगह ये सिस्टम चालू भी हो गया। आपने देखा होगा एडमिशन चालू होने लगी, कई कोचिंगों ने भी अपने एडमिशन ऑनलाइन चालू कर दी। हालांकि एक बदलाव समय की जरूरत के कारण किए गए, ऐसे में शिक्षण संस्थाओं ने सिर्फ डिलीवरी मॉडल को ऑफलाइन से ऑनलाइन किया है, लेकिन स्टूडेंट्स को इसमें सीखने के लिए स्तरीय चीजें नहीं मिल पा रही हैं। आप एक पारिवारिक क्लासरूम को देखिए जहां बीच में एक टीचर मुख्य किरदार होता है और स्टूडेंट्स ग्रुप में पढ़ रहे होते हैं, वहीं ऑनलाइन लर्निंग अगर सही तरीके से की जाए तो टीचिंग का यह मॉडल बिल्कुल उल्टा हो जाता है, या स्टूडेंट्स सेक्टर में आ जाते हैं। कोरोना के कारण यह चर्चा बढ़ गई है, लेकिन तकनीकी आधारित शिक्षा की ही अब हमारी एजुकेशन का भविष्य है। यानी कि तकनीकी जो सिस्टम है, आपका फोन हो गया, फिर चाहे आपका लैपटॉप,
नेट, इसकी सुविधा बात की जा रही है, लाइट, बिजली, यह वर्ल्ड क्लास टीचर्स वीडियो लेसन, इंटरैक्टिव गेम्स को खास अंदाज में परोकर छात्रों के लिए जिंदगी भर ना भूलने वाले अनुभव बना देती है। ऑनलाइन लर्निंग में कठिन से कठिन कॉन्सेप्ट, विज्ञान की जटिल व्याख्याओं को जिंदगी के अनुभवों से जोड़कर बताने से कॉन्सेप्ट छात्र अच्छी तरह समझ जाते हैं। तकनीक के सहारे स्टूडेंट कठिन माने जाने वाले कॉन्सेप्ट को आसपास की चीजों से जोड़ते हैं, उन्हें विजुअलाइज करते हैं। आइए कुछ और चीजें देखते हैं, कैसे तकनीक से टीचिंग को दुनिया को आसान बनाया। अध्ययन कहते हैं कि बच्चे सीखने के लिए अपनी इंद्रियों का इस्तेमाल करते हैं। इसमें आपके 75% भूमिका हमारी देखने की क्षमता की होती है। स्कूल जाने से बहुत पहले बच्चे सिर्फ देखकर ही चीजें सीख जाते हैं। डिजिटल माध्यम बस यही सुविधा प्रदान कर रहे हैं, जहां छात्र इन कॉन्सेप्ट को देखकर इसे विजुलाइज कर रहे हैं और इन्हें आसपास की चीजों से जोड़कर कॉन्सेप्ट से दोस्ती बढ़ा रहे हैं। एक अच्छे वीडियो कंटेंट की ताकत यही है कि बच्चों को यह लर्निंग सिर्फ एग्जाम तक नहीं बल्कि जीवन भर याद रहे। तकनीक और अच्छे टीचर्स की मदद से कठिन लगने वाले कॉन्सेप्ट छात्रों को आसान और प्रभावी तरीके से समझ पाते हैं। यहाँ तक कि ऑनलाइन लर्निंग में छात्रों को इंगेज रखने में टीचर की भूमिका बढ़ जाती है। जरूरत ऐसे टीचर्स की है जो कॉन्सेप्ट को फनी और आसान से अंदाज में समझा दे। स्टूडेंट्स भी टीचर्स के उदाहरणों के साथ खुद को जोड़ पाए। टीचिंग में तकनीक की मदद से देश के किसी भी कोने में रहने वाले बेस्ट टीचर्स की क्लास अटेंड करने का मौका मिलता है। हर छात्र की सीखने की क्षमता और तरीका अलग होता है। ऐसे में तकनीक की मदद से हर एक छात्र की जरूरतों को देखते हुए अलग और बिल्कुल विशेष छात्र के हिसाब से लर्निंग का अनुभव किया जा सकता है। पर्सनलाइज्ड लर्निंग में बिग डाटा एनालिसिस बड़ा रोल प्ले कर सकता है। आपका हर स्टूडेंट्स की जरूरतों को देखकर टीचर्स अपना पढ़ाने का तरीका उस हिसाब से बदल सकते हैं। गेम डिजाइन के नियमों में इंसान के मनोविज्ञान, उसके व्यवहार, कुछ प्रतिक्रियाओं का ख्याल रखा जाता है। इसी तरह ऑनलाइन लर्निंग में गेमिफिकेशन यानी किसी कॉन्सेप्ट को खेल जैसा बनाने से स्टूडेंट्स उसमें ज्यादा रुचि दिखाते हैं। इससे उनकी सीखने की क्षमता एक तरफा ना होकर इंटरेक्टिव होती है। इससे उनके ध्यान देने का समय अटेंशन भी बढ़ता है और सीधे तामन याद रहता है। याद रखिए, मतलब इसका प्रॉफिट बता रहे हैं, यानी कि लाभ बाद में आप लोग हम बताएंगे आपको कि इसमें क्या क्या चुनौतियां हैं। हर चुनौती एक अवसर देती है। कोरोना का यह कठिन दौर एजुकेशन के लिए बदलाव का दौर है, जहां हम शिक्षा के इस ऑनलाइन तरीके, ऑनलाइन लर्निंग इंटरेक्शन आदि को पढ़ते हुए देख रहे हैं। नई जनरेशन के लिए डिजिटल स्क्रीन ही अब उनका दुनिया से वास्ता करा रही है। इससे लर्निंग के इस नए मॉडल के इस्तेमाल में बढ़ोतरी होगी। हम देखेंगे कि क्लासरूम सेटिंग में भी तकनीक आधारित शिक्षा का ही महत्व बढ़ेगा। मौजूदा दौर की व्यवस्था जिसमें एक टीचर कई स्टूडेंट्स को पढ़ाता है से आगे बढ़कर हम वन लर्निंग की तरफ बढ़ रहे हैं, जहां हर एक स्टूडेंट्स का अपना सीखने का अनुभव होगा। एक बात आप लोग खुद जानते हैं, मुझे यहाँ बताने की जरूरत नहीं है। इन्होंने अपने प्रॉफिट बताए हैं कि इससे क्या क्या लाभ होगा। इससे कोई शक नहीं है, इसमें कोई दोहराव भी नहीं है कि कोरोना की वजह से हमारी दुनिया बहुत ऑनलाइन हो चुकी है। अभी जो ऑफलाइन काम होते थे वो ऑनलाइन में बदल चुके हैं। फिर चाहे आपका नौकरी का काम हो, आप घर से ही बैठकर अधिकतर काम निपटा रहे हैं इस समय। तो मेरा भी इसमें कोई दोहराव नहीं है कि इससे फायदा है, लेकिन आप दूसरी समस्याओं को भी देख सकते हैं। भारत में आप देखते हैं एक खास वर्ग के पास इस तरह की सुविधा नहीं है अभी भी। और फिलहाल आप गांव की स्थिति आप लोग खुद जानते हैं, मुझे बताने की इसमें कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि खस्ता हालत है आपके गांव की। ना तो वहाँ इंटरनेट की अच्छी सुविधा है, ना ही नेटवर्क की अच्छी सुविधा है, ना ही स्कूलों में कोई व्यवस्था है ऑनलाइन पढ़ाने की। ना तो उनके पास, आप समझ सकते हैं
कि खाने के लिए अगर खाना ना हो उसके यहाँ मोबाइल कहाँ से आ जाएगा, स्मार्टफोन। चलिए स्मार्टफोन एक ले लेते हैं किसी भी तरह से, किसी के बच्चे तीन हैं, तो आप तीन सोचिए कि तीन इसमें वैसे भी मार झेल चुका है कोरोना की वजह से इंसान, तीन फोन खरीदने की किसकी क्षमता होगी। आप ही सोचिए कि आपके घर में तीन बच्चे हैं, क्या आपकी हिम्मत है इतनी कि आप तीन बच्चों को अलग अलग फोन दे दें। और ठीक है, तीन बच्चों को फोन, उसके बाद नेट का भी, अगर 4 से 6 घंटे अगर चल रही है क्लास, तो ऐसा नहीं है कि 1 GB से आपका काम चल जाएगा, समझ रहे हैं आप लोग। और वाईफाई लगवाने की हर किसी की हिम्मत नहीं है। हम लोग उस देश से जी रहे हैं, रह रहे हैं उस देश में जहाँ खाने के लाले पड़े हुए हैं और हम ऑनलाइन के सपने देख रहे हैं। तो वो लोग तो दे सकते हैं जो सक्सेस हैं आर्थिक स्थिति से, यानी कि उनकी आर्थिक स्थिति ठीक है, तो वो सब देख सकते हैं। फिर सोचिए आप लोग कि ठीक है, एक मोबाइल से काम नहीं चलेगा, क्योंकि आप समझ सकते हैं 2 से 3 बच्चे हर परिवार में हैं, ठीक है, जो पढ़े लिखे हैं उन्हीं के यहाँ 1-2 बच्चे होंगे। तीसरी बात, मोबाइल के प्रॉफिट तो बता दिए गए हैं यहाँ, लेकिन नुकसान क्या है उसके बारे में बात नहीं की जा रही है। मैं बताता हूँ एक बात, अभी कुछ ही दिन पहले आपकी एक रिपोर्ट आई हुई थी, उसमें बताया गया है कि मोबाइल यानी कि सोशल मीडिया या फोन से जुड़ने से हमारे देश दिमाग की पावर, सोचने की क्षमता घटती है, समझ में आया आपको। और फिर दूसरी बात, आप समझिए कि घर में बच्चे कितना पढ़ते हैं, कितने टाइम तक वो ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हैं, नहीं ना। स्कूल में 6 से 7 घंटे क्लास लगती है, वहाँ ठीक है वहाँ तक, लेकिन इसके लिए घर में मुझे नहीं लगता है कि घर में इस तरह का माहौल मिल पाएगा बच्चों को कि वो ऑनलाइन एकांत में बैठकर 6 से 7 घंटे पढ़ सकें। क्योंकि घर में आप सोचिए, ठीक है आप स्थिति आपकी ठीक है तो आप बच्चे के लिए एक रूम स्पेशल कर सकते हैं, लेकिन बाकी लोगों का भी तो आपको ख्याल रखना होगा ना, कि बाकी लोगों के पास हर तरह की रूम की सुविधा नहीं है कि उन्हें एक अलग रूम दे दिया जाए, अलग तरह से सुविधा करवा दी जाए, तो ये संभव नहीं है। हाँ है संभव, लेकिन कहाँ तक, अमीर लोगों तक, यानी कि जिनकी आर्थिक स्थिति ऊंची है उन्हीं लोगों तक ये संभव है। धरती के नीचे तबके यानी कि हमारी जो समाज है इसके नीचे के तबके लोगों तक कोई भी संभव नहीं है। आप भी सोच सकते हैं कि जनजाति क्षेत्रों में किस तरह से व्यवस्था हो सकती है, जिनके लिए खाने के लिए पैसे नहीं है जिनके घर में, वो क्या इस तरह की सुविधा ऑनलाइन अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं, नहीं ना। तो ये अमेरिका या फिर ब्राजील, इस तरह के न्यूजीलैंड हो गए, स्विट्जरलैंड हो गए, जापान, ऑस्ट्रेलिया, जापान, सिंगापुर, इस तरह के जो सक्सेस देश हैं उनके बारे में हम लोग बात कर सकते हैं, यहाँ तक कि चीन के बारे में भी बात कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि ये हमसे बहुत आगे हैं। और यहाँ कोरोना, आप समझ सकते हैं कि कोरोना घटने की वजह हर देश में क्या है, क्योंकि वहाँ पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन हमारे यहाँ एक तबका ऐसा है जो शिक्षा से वंचित रह गया हमेशा से, तो इसकी कल्पना भी करना मुश्किल है। तो अन्य देशों में ये संभव हो सकता है, लेकिन हमारे देश में अभी तो नहीं संभव हो सकता है। देखिए, एक तबका हो सकता है इससे लाभान्वित, लेकिन दूसरा तबका, एक बड़ा तबका छूट जाएगा इससे। आप समझ सकते हैं, अपनी भी आप समस्याएं जानते हैं, क्योंकि हम तो जैसे यहाँ बैठा हुआ हूँ, मुझे नहीं पता आपकी क्या समस्या है, और जिन्होंने ये आर्टिकल लिखा है उन्हें भी पता नहीं है कि आपकी क्या समस्या है। तो आप अपनी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि आपकी समस्याएं क्या है, आपके बगल में बच्चे हैं तो वो भी तो किस तरह से एडजस्ट आप कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। आप अपने ग्राउंड की यानी कि अपने गांव की समस्या देखते हैं, क्षेत्र की समस्या देखते हैं, तो आप बेहतर जानते हैं, तो आप अपनी भी सोच सकते हैं, वो भी कमेंट बॉक्स में लिखिए, आप लोग अपनी राय भी दे सकते हैं, ठीक है।